हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर। आई एम मुकेश बनानी एस केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। सो टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स। सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन? नेम से क्लियर विजिबल है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। इट मीन्स द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विच मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे कंपाउंड, वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। लाइक एग्जाम्पल की बात करें, सिंपलेस्ट कंपाउंड मिथेन CH4। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन्स आर डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरी, लाइक वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नंबर थर्ड इज एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ नंबर वन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, जो कि हम प्रीवियस क्लास 10th में भी हम पढ़ चुके हैं। यानी कार्बन कार्बन को फोकस करना है, अगर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो इट मीन दिस इज नॉन एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इफ डिफरेंट कार्बन एटम आर ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म अ ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम विथ सिंगल बॉन्ड, दे आर टर्म एज अ एल्केन। इट मीन्स इसका सेकेंड नेम क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो नॉन एज अ एल्केन। ऑन द अदर हैंड, इफ कार्बन एटम फॉर्म अ क्लोज चेन और रिंग, दे आर टर्म एज अ साइक्लो एल्केन। इट मीन जिसको हमने प्रीवियस यूनिट में डिस्कस किया था कि अगर हम टर्मिनल कार्बन को ज्वाइन कर दें बॉन्ड से, टर्मिनल का मतलब जो एंड कार्बन है, तो एक साइक्लिक फॉर्म का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। और उस रिंग के लिए हमने एक प्रीफिक्स यूज किया था, साइक्लो। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और बोथ। यानी अनसेचुरेट मतलब क्या रहेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा या क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड। एंड वी नो वेरी वेल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मीन्स एल्काइन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर अ स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। यानी चार पार्ट है इस चैप्टर के। नंबर वन पार्ट इज एल्केन, नंबर सेकेंड इज एल्कीन, नंबर थर्ड इज एल्काइन एंड नंबर फोर इज एरोमेटिक, जिसमें हमको बेंजीन को स्टडी करना है। और इस वीडियो लेक्चर में हम केवल एल्केन और एल्कीन को ही स्टडी करेंगे। नाउ नंबर वन इज एल्केन। दीज हाइड्रोकार्बन आर इनर्ट अंडर द नॉर्मल कंडीशन एस डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बेस एंड अदर रिएजेंट, हेंस दे वर अर्लियर नॉन एज अ पेराफिन। यानी एल्केन का एक और नाम हो गया, एक नाम तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं सैचुरेटेड, और इसको हमने एल्केन का एक नाम और आ रहा है यहां पे पेराफिन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेराफिन? लैटिन वर्ड परम लिटिल एंड एफिन्स मींस एफिनिटी, यानी जिसकी एफिनिटी लिटिल हो, यानी एफिनिटी मतलब रिएक्टिविटी, जो लेस रिएक्टिव हो। तो ऐसे कंपाउंड जो रिएक्टिविटी बहुत ही कम शो करेंगे उसको हम पेराफिन्स बोलेंगे। और पेराफिन्स का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट मींस एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnS2n+2। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट नॉमनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, जिसको हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द कार्बन एटम इज टर्म एज प्राइमरी या 1 degree, सेकेंडरी या 2 degree, टर्शरी या 3 degree या क्वार्टनरी 4 degree। इट मीन्स हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि जिस कार्बन एटम से सिंगल कार्बन अटैच हो यानी वो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, और अगर 2 carbon से अटैच है तो सेकेंडरी कहलाएगा, और अगर वो कार्बन 3 carbon से डायरेक्टली अटैच है तो वो 3 degree यानी टर्शरी कार्बन कहलाएगा, और अगर डायरेक्टली अटैच 4 carbon से तो वो क्वार्टरनरी, जिसको हम 4 degree carbon भी कहेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको विजिबल है और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कार्बन 1 degree है, 2 degree, देन 3 degree एंड 4 degree। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है जो कार्बन है डायरेक्टली 1 carbon से अटैच हो रहा है, यानी ये कार्बन क्या कहलाएगा? 1 degree carbon कहलाएगा। सिमिलर ये कार्बन भी डायरेक्टली 1 carbon से अटैच है, सो दैट्स व्हाई 1 degree यानी प्राइमरी कार्बन। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन। लेकिन हम इस
मिडिल वाले कार्बन की बात करें जिसको हमने पोजीशन टू से डिटरमाइन किया, ये कार्बन जो है चार कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, यानी ये कार्बन कौन सा कहलाएगा, 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये जो कार्बन है डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन से अटैच है, 1 से, यानी 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, यानी जो टर्मिनल पे कार्बन प्रेजेंट है उसको आपको 1 डिग्री शो करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्लियरली विजिबल ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1, बॉटम में 1, यानी 3 कार्बन से अटैच है, यानी 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। सिमिलर इस कार्बन की हम बात करें डायरेक्टली अटैच 1 लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 राइट हैंड साइड, यानी वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे को न्यूमेरिकल में आइडेंटिफिकेशन करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टनरी कार्बन को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एल्केन, यानी एल्केन को हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो प्राइमरी सोर्स क्या रहेगा, यहाँ पे पेट्रोलियम रहेगा और नेचुरल गैस रहेगी। अब नंबर 1 मेथड इज दैट फ्रॉम द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वहां से हम कंपाउंड क्या बनाएंगे, एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोजिनेशन, एंड नेम से विजिबल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन को हम यहाँ पे देख लेते हैं, सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू है, और विनो वेरिएबल डबल बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड सिंगल सिग्मा रहेगा और एक बॉन्ड क्या रहेगा, पाई रहेगा। और हम स्टडी कर चुके हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड से वीक बॉन्ड होता है, तो वीक सेंटर पे ही क्या होगा, अटैक होगा। और एच टू को मैं लाइक एच सिंगल बॉन्ड एच राइट डाउन कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्लियरली विजिबल है एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे, यानी पाई बॉन्ड का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने से एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, सेकेंड हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन के पास। सिमिलरली कार्बन कार्बन के बीच में क्या चुका है, सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हमने इथेन बोला है। तो कैटलिस्ट इज दैट प्लेटिनम पैलेडियम एंड निकल। तो इट मीन्स प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। अगर हमको रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करनी है तो हम प्रेफरेंस किस कैटलिस्ट को देंगे, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। बट रिलेटिव हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड विद द निकल कैटलिस्ट। और अगर हायर टेम्परेचर है तो फिर हम कौन से कैटलिस्ट को प्रेफरेंस देंगे, निकल को। सिमिलर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या रहेगा, 1 सिग्मा और 2 क्या रहेंगे, यहां पर पाई बॉन्ड रहेंगे। तो अब दोनों ही पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और एक बॉन्ड टूटेगा, तो इट मींस एक पाई बॉन्ड का जब ब्रेकिंग होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इट मींस लाइक एक बॉन्ड यहां पे 8 होगा, एक बॉन्ड यहां पे 8 होगा, 2 पाई है। दूसरा भी पाई टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस, यहां पे एक 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। तो इट मींस यहां पे क्लियरली विजिबल है CH3 CH2, 2 हाइड्रोजन जोड़ने से क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहां पे CH3 हो जाएगा। नाउ सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम द एल्किल हैलाइड। अब इसमें 2 कंडीशन है, नंबर 1 इज एल्किल हैलाइड एक्सेप्ट द फ्लोराइड, यानी एल्किल फ्लोराइड को हम इस मेथड में हम यूज नहीं करेंगे। ऑन द रिडक्शन विद द जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव द एल्केन। तो इट मीन यहाँ पे क्लियरली विजिबल H2 को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, एच सिंगल बॉन्ड एच, और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा और H यहाँ पे एड हो जाएगा CH4 के फॉर्म में। नेक्स्ट सेकंड टाइप की हम बात करें फ्रॉम द एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम मेटल इन द ड्राई इथरल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर सॉल्यूशन गिव द हायर एल्केन। दिस रिएक्शन इज नॉन एज अ वुड्स रिएक्शन, जहां पे साइंटिस्ट का नेम आ जाएगा, वुड्स क्या एक साइंटिस्ट का नेम, तो जहां पे साइंटिस्ट का नेम आ जाएगा उस रिएक्शन को आपको जरूर फोकस करना है, राइट डाउन करके देखना है इसको। एंड इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन कंटेनिंग द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन किस फॉर्म में रहेंगे, इवन फॉर्म में रहेंगे, ओड नंबर में नहीं रहेंगे। इवन का मतलब 2, 4, 6, 8। तो लाइक हम एग्जाम्पल की बात करें, यहां पे हमने ब्रोमोमीथेन लिया, उसके 2 मॉलिक्यूल लिए ब्रोमोमीथेन के, और सोडियम मेटल किसकी प्रेजेंस में, ड्राई इथर की प्रेजेंस में हमको यूज करना है। तो जो 2 सोडियम रहेंगे वो किस फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, 2 NaBr, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। यानी इनपुट किया था हमने 1 कार्बन का, मल्टीपल हो जाएगा 2 ice, यानी 2 कार्बन का यहाँ पे ऑप्टेन हुआ है। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट एल्किल आर टेकन। अभी हमने क्या लिया, वन टाइप का एल्किल हैलाइड लिया, अगर हम डिफरेंट टाइप का एल्किल हैलाइड लेंगे तो वी कैन ऑप्टेन द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन।
Now next method is that from the carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid on heating with soda lime. ये word important है, soda lime आपके 10th में भी important था, 11th and 12th also. यानी what is the meaning of soda lime? Mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. Calcium oxide और sodium hydroxide का जो mixture रहेगा, this is known as a soda lime. Give the alkane containing one carbon atom less than the carboxylic acid. यानी one carbon को ये remove कर देगा. So this process of elimination of carbon dioxide from the carboxylic acid is known as a decarboxylation. यानी word meaning से clear है, D यानी removal. कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. तो इट मींस यहां पे जो फॉर्मेशन होगा CH3COONa plus NaOH, किसकी प्रेजेंस में हम कर रहे हैं यहां पे CaO की फॉर्म में, तो यहां पे जो रिमूवल होगा Na2CO3 का रिमूव हो जाएगा और ये जो CH3 है वो H से एड होके मिथेन का फॉर्मेशन हो रहा है. इट मींस हमने इनपुट रिएक्टेंट में जो टू कार्बन लिए और वन कार्बन लेस हो गया और CO2 फॉर्म में रिमूव हुआ है. सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम. नाउ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में सेकंड पैटर्न देखें, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव द एल्केन कंटेनिंग द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 एनोड. तो एनोड पे जो हमको यहाँ पे ऑप्टेन होगा हाइड्रोकार्बन वो इवन नंबर में रहेगा, इवन का मतलब 2, 4, 6. अब रिएक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे. सोडियम एसिटेट मींस CH3COONa को हमने वाटर में यूज किया है और हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं. जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे यहाँ पे जो CO2 है वो गैस फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और ये दोनों जो CH3 है आपस में बाइंड होके CH3CH3 का फॉर्मेशन करेंगे यानी इथेन. और जो रिमेनिंग पार्ट है Na2Na plus 2H2O, H2O को मैं HOH के फॉर्म में राइट डाउन कर सकता हूं, यानी जो Na है वो OH जोड़ के क्या बनाएगा, 2NaOH. और जो ये वन हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर 2 है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहां पे 2, H और H मिलके H2 गैस का क्या करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे. द रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ. अब हम इसके मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन फॉलो हो रही है. नंबर वन इज दैट जो रिएक्टेंट है CH3COONa उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा लाइक अ नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज का मतलब वो कहाँ मूव करेगा, एनोड की ओर. नेगेटिव से हम जानते हैं कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर. इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, एनोड पे. और Na प्लस पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा. नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड. तो हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं. सबसे नंबर वन 8 एनोड, यानी ये जो रिएक्टेंट है CH3COO माइनस, यानी ये माइनस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा लाइक दिस. फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है और इस फ्री रेडिकल में कार्बन कार्बन ब्रोन का ब्रेकिंग होगा अकॉर्डिंग टू द होमोलाइसिस. होमोलाइसिस से यहाँ पे अगेन 2 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे और एक कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट हैंड साइड कार्बन पे. तो इट मींस यहां पे जब ब्रेकिंग होगा तो इट मींस ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन से वापस किसका फॉर्मेशन करेगा, CO2 का. और यहां पे एक CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है. अब ये CH3 फ्री रेडिकल आपस में बॉन्डिंग हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट इथेन का. अब हम कैथोड की बात कर रहे हैं. कैथोड पे क्या है, H2O एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. इट मींस OH माइनस और वी नो वेरी वेल जब H2O का ब्रेक होता है तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन में ब्रेक होता है. तो हमने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दिया है H प्लस आयन को, तो यानी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल टू हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइंट होकर H2 गैस का क्या करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे. अब जो रिमेनिंग OH पार्ट है, ये OH पार्ट वी नो वेरी वेल कैथोड पे Na प्लस भी आ रहा है, तो इट मींस ये Na प्लस और OH माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और क्या बनाएंगे, NaOH. तो इस तरह से हमने यहां पे देखा मैकेनिज्म के थ्रू जो NaOH और H2 का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, कैथोड पे, और एनोड पे किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 का, और CO2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड. वी नो वेरी वेल दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रोडक्ट इन विच द इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट, जबकि मिथेन में जो एक कार्बन यानी ओड कार्बन प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड.
नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एल्केन आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है कोवेलेंट, वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल दोनों एटम के मिड में रहेंगे। बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ड्यू टू द वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि एल्केन को हमने क्या बोला है, नॉन पोलर। ड्यू टू द वीक फोर्सेस द फर्स्ट फोर मेंबर C1 टू C4 आर गैसेस एंड C5 टू C17 आर लिक्विड एंड दोस कंटेनिंग 18 कार्बन एटम और मोर आर सॉलिड एट 298 केल्विन। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस इन रिलेशन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट। पोलर सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, वेयर एज अ नॉन पोलर वन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी जो पोलर नेचर का होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। वी नो वेरी वेल पोलर सॉल्वेंट एग्जाम्पल इज वॉटर, और नॉन पोलर जो रहेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट एग्जाम्पल इज बेंजीन। तो नॉन पोलर है कौन, एक्चुअली में एल्केन ही तो नॉन पोलर है, तो इट मीन एल्केन किस में डिजोल्व होगी, बेंजीन में डिजोल्व होगी। यानी एक सिंपल सी टेक लाइन है इन केमिस्ट्री, लाइक डिजोल्व लाइक। अब बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। जैसे जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, बिकॉज मॉलिकुलर मास इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन इंक्रीज होगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्री आइसोमर पेंटेन की हम बात करें, लाइक पेंटेन नॉर्मल पेंटेन है, या 2-methyl butane या 2,2-dimethyl propane, इट इज ऑब्जर्व दैट द पेंटेन हैविंग द कंटिन्यूअस चेन ऑफ 5 carbon atom एज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर सपोज करो हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंड गिवन है और आपसे बोला जाता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन स्टेट फॉर्म में कौन है। जो स्टेट फॉर्म में रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होने से साइज कैसी हो जाएगी उसकी, स्पेरिकल, एक गोला हो जाएगा, और स्पेरिकल होने से जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में एसोसिएशन है वो कम हो जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो स्ट्रेट फॉर्म में, स्ट्रेट कार्बन चेन में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मिलेगा। तो इट मीन्स हम फॉर्मूले की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली प्रपोर्शनल है मॉलिकुलर मास के और इनवर्सली प्रपोर्शनल है नंबर ऑफ ब्रांच के। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी। नंबर वन इज दैट सब्स्टिट्यूशन, यानी एल्केन जो है वो मोस्टली कौन सी रिएक्शन को शो करेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। नेम से विजिबल है, यानी सब्स्टिट्यूशन मींस डिस्प्लेसमेंट, यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करेगा, दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। हेलोजिनेशन टेक प्लेस आइदर एट अ हायर टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट। CH4 रिएक्ट कर रहा है Cl2 से और सब्स्टिट्यूशन शो करना है, यानी Cl2 को मैं लाइक दिस Cl सिंगल बॉन्ड Cl से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पे HCl हट जाएगा और उस हाइड्रोजन की तरह ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, लाइक दिस क्लोरोमीथेन। अब वी नो वेरी वेल अभी भी 3 hydrogen बाकी हैं, तो अब अगेन वापिस Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे, इट मीन Cl सिंगल बॉन्ड Cl, वापिस जो Cl होगा एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और आपका फॉर्मेशन करेगा CH2Cl2, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइक्लोरोमेथेन। सिमिलरली थर्ड हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन से, यानी ट्राइक्लोरोमेथेन, और लास्ट हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दूंगा मैं क्लोरीन से, यानी टेट्राक्लोरोमेथेन। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हैलोजन इज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन दिखाया गया यहाँ पे, फ्लोरीन F2, उसके बाद कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, Cl2, देन ब्रोमीन Br2, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन रहेगा यहाँ पे, I2 रहेगा। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन टू एल्केन इज, यानी 3 degree हाइड्रोजन सबसे पहले क्या होगा, रिमूव होगा, आफ्टर डेट 2 degree हाइड्रोजन अगर उसमें प्रेजेंट है, और सबसे लास्ट में कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, 1 degree हाइड्रोजन। अब 3 degree हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है, यानी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू द 3 degree कार्बन, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली 2 degree हाइड्रोजन का मीन्स,
यानी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू द 2 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री हाइड्रोजन का मींस हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू द 1 डिग्री कार्बन. फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल. आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन. इट कैन बी कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यानी अगर मुझे I2 का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना है तो यानी मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, HIO3 या HNO3. ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं. यानी हम रिएक्शन में बात करें CH4 के रिएक्शन हम I2 से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, CH3I और HI. लेकिन ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल, तो HI को रिमूव करना पड़ेगा. तो HI को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, I2 में. यानी हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ HIO3 या HNO3. तो अगर हमको I2 से रिएक्शन करवानी है तो इट मीन हमको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, HIO3 या HNO3. अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो डिलीटेड इन सेशन 2020-21 एंड कंबशन रिएक्शन इज ऑल्सो डिलीटेड इन द सेशन ऑफ 2020-21. नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑक्सीडेशन. यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस से यहाँ पे प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. यानी हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, रिएक्टेंट तो सेम है यहाँ पे CH4. लेकिन अगर हम कॉपर यूज कर रहे हैं ऐसा कैटलिस्ट तो इट मीन यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मिथेनॉल. यहाँ पे क्लियरली विजिबल है ऑक्सीजन का हमने यहाँ पे क्या किया, एड किया है. और जबकि हम MO2O3 कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, HCHO. यानी ऑक्सीजन का तो एडिशन हुआ है और H2 का रिमूवल हुआ है. तो H2 का रिमूवल होगा तो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा. CH3 की हम बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COO का होल ट्वाइस MN की प्रेजेंस में यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, इथेनोइक एसिड. हमने देखा था जो एल्केन था उसको हमने पेराफिन बोला, यानी लेस रिएक्टिव है. लेकिन अगर उसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. यहाँ प्रोडक्ट में आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे एड हो चुकी है. नेक्स्ट इज दैट आइसोमेरिजेशन. इट मीन नेम से क्लियर विजिबल है कि यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट रहेगा वो रिएक्टेंट का आइसोमर रहेगा. यानी हम यहाँ पे रिएक्शन को देखना चाहें, यानी मैंने कार्बन स्टेट फॉर्म में लिए, 4 कार्बन हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे स्केलेटल और स्क्वी फ्री वैलेंसी में किससे फुलफिल कर दूंगा, हाइड्रोजन से. यानी H3 यहाँ पे H2 देन H2 देन H3. और हमने यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज किया है, एनहाइड्रस AlCl3. तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि जो रिएक्टेंट है वो किस फॉर्म में, एक स्ट्रेट कार्बन चेन में. लेकिन अब की बार क्या मिलेगा, आइसोमर, यानी मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लाइक दिस 1, 2, 3. लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच चेन का यहाँ पे ऑप्टेन हो रहा है. यानी हम यहाँ बात करें मॉलिकुलर फॉर्मूले की, जैसा कि हमने यहाँ पे C4H10, यानी रिएक्टेंट की हम बात करें तो दिस इज द C4H10. हम काउंट करके भी दे सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, C4H10. इट मीन्स, लेकिन हम यहाँ बात करें कि जो स्ट्रेट कार्बन चेन थी उसकी जगह हमारे को एक ब्रांच चेन का ऑप्टेन हो रहा है. तो इट मीन्स ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, आइसोमेरिजेशन. नाउ नेक्स्ट इज एरोमेटिजेशन. यानी नाम कई बार तो क्या होता है, नेम से मालूम पड़ जाता है रिएक्शन में क्या होने वाला है. एरोमेटिजेशन यानी प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. दिस रिएक्शन इज नॉन एस एरोमेटिजेशन, या एक और नाम है इसका रीफॉर्मिंग भी हम कह सकते हैं. यानी क्लियरली विजिबल है यहाँ पे H3H3, यानी टर्मिनल हमने यहाँ पे कार्बन के हाइड्रोजन को लिया यहाँ पे, और H और H यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. और यहाँ हम बात करें H2H2, दो हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो जाएंगे. तो अब सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ है, पाई बॉन्ड बन जाएगा, जो क्लियर विजिबल है आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. सिमिलरली अब हम यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, यानी इलिमिनेशन. तो यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल हो रहा है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. सिमिलरली एक बार सिग्मा बॉन्ड हमने बना ही लिया, अगेन वापिस से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो टोटल हम बात करें मैंने कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, 4H2 को रिमूव किया. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया साइक्लिक कंपाउंड में. और अब ये क्या दिखाएगा, रेजोनेंस, जिसको हमने डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया है. पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है. तो शिफ्ट कर रहा है तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद स्टीम.
यानी हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, स्टीम से करवाएंगे। मिथेन की रिएक्शन हम यहाँ पे H2O, ये H2O स्टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और वी कैन ऑब्टेन द CO एंड H2। और जो पायरोलाइसिस है वो इस सेशन 2020-21 में डिलीटेड है। नाउ नेक्स्ट इज दैट कन्फर्मेशंस। एल्केन कंटेन द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। यानी वी नो वेरी वेल एल्केन में है क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। एक कार्बन को स्टेट रखे, सेकेंड को रोटेट करना है। तो रोटेशन करने से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, कन्फॉर्मेशन मिलेगा, विच इज नॉट डिस्टर्ब ड्यू टू द रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। यानी एक्सिस के थ्रू जब हम इसको रोटेट करेंगे, इस तरह से आपको रोटेट करना है, तो रोटेट करने से जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। दिस परमिट फ्री रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और ये क्यों हो पा रहा है, सिंगल बॉन्ड। दिस रोटेशन रिजल्ट इन टू द डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस विच कैन चेंज इन टू वन अनादर। सच स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम विच कैन बी कन्वर्ट इन टू वन अनादर बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशन, या कन्फर्मर भी बोल सकते हैं या रोटेमर भी बोल सकते हैं। नाउ टॉपिक इज दैट कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। हमको यहाँ पे इथेन का कन्फर्मेशन देखना। कन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम अटैच टू टू कार्बन आर एस क्लोज टूगेदर एस पॉसिबल इज कॉल्ड इक्लिप्स, एंड द अदर इन विच हाइड्रोजन आर एस फॉर एस पॉसिबल इज नॉन एस अ स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। तो एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन इज कॉल्ड द स्क्यू कन्फर्मेशन। अब जब रोटेशन कर रहे हैं तो उसमें कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है, और जो कार्बन हाइड्रोजन के जो एंगल है जो हमने 120 डिग्री बोला है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज किस में हो रहा है, दो प्लेन के बीच के एंगल में, जिसको हम डाईहेड्रल एंगल कह रहे हैं। इक्लिप्स एंड द स्ट्रेजर कन्फर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द सोहार्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो हमने जिसको अभी ओरल, इसको हमने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया, इसको हम अब डायग्रामेटिकल भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे सोहार्स, तो सोहार्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, और एक साइंटिस्ट है न्यूमैन। तो दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, उसको हम डायग्रामेटिकली और समझते हैं। तो नंबर वन इज दैट सोहार्स प्रोजेक्शन। जैसे हम इथेन की बात करें, वी नो वेरी वेल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बेसिकली बॉन्ड लाइन में हम हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रखा है, क्योंकि उसी के बेसिस पर ही तो हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। तो हमको इस तरह से जो मेन मॉलिकुलर एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, इसको हमको इस तरह व्यू करना है, थोड़ा टिल्ट करके रखना है। फ्रंट आगे की ओर कार्बन होगा, उसको हम लोअर कार्बन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पीछे की ओर होगा या दूर होगा उसको हमने यहाँ पे अपर एंड से रिप्रेजेंट किया है। वी नो वेरी वेल जो ये एंगल बना हुआ है वो एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो यहाँ पे क्लियर विजिबल है कि ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसी के जस्ट पीछे अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए, जैसे सोलर इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, उसी तरह से यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बिल्कुल जस्ट आमने सामने आ जाए, इन फ्रंट, तो ऐसा रीअरेंजमेंट क्या कहलाएगा, इक्लिप्स। और अब मैंने इसको क्या किया है, पीछे वाले को हमने क्या किया, थोड़ा टिल्ट कर दिया, आगे वाले को तो वैसा वैसा रख रखा है, जो बैक साइड का उसको हमने टिल्ट कर दिया। एंगल जो है मैंने कितना रोटेशन किया है, 60 डिग्री। तो जैसे आप 60 डिग्री आप एंगल करेंगे, तो इसमें जो पोजीशन है, जो हाइड्रोजन ऊपर की ओर था वो हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर। अब यहाँ पे हर हाइड्रोजन आपको क्लियर दिख रहा है, यानी स्टेजर्ड। नाउ सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, यानी हमारा फोकस किस पे रहेगा, कार्बन कार्बन पे। जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और जो पीछे वाला कार्बन होगा उसको हम किससे करेंगे, सर्किल से ड्रॉ करेंगे। अब लाइन की हम हेल्प किससे ले रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे वापस हमको क्या डिस्कस करना है, इक्लिप्स एंड स्टेजर। तो इट मीन इक्लिप्स में आपको क्लियर विजिबल हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसी के पीछे दूसरा हाइड्रोजन है। दो प्लेन की हम बात करें, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, और दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है, जिसको हमने डाईहेड्रल एंगल कहा है, या एंगल ऑफ टॉर्शन या एंगल ऑफ रोटेशन कहा है, अगर जीरो डिग्री है, यानी इक्लिप्स में क्या होगा, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा इज जीरो डिग्री,
थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाईहेड्रल एंगल को, तो उस टाइम जो कॉन्फ्यूग्रेशन मिलेगा वो इक्लिप्स रहेगा। और अगर थीटा इज 60 डिग्री तो इट मीन्स वो कॉन्फ्यूग्रेशन स्टेजर मिलेगा। और अगर एंगल इनके बीच में होगा, 0 और 60 के बीच में होगा, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू कहेंगे, स्क्यू कन्फर्मेशन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन, अब हमने कन्फर्मेशन स्टडी कर लिए, अब इनमें स्टेबल कौन है, यानी स्टेगर में हम बात करें, हर हाइड्रोजन आपको क्लियर विजिबल हो रहा था, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा तो रिपल्शन सबसे कम रहेगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, स्टेगर फॉर्म स्टेबल रहेगी। द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन इज कॉल्ड द टॉर्शनल स्ट्रेन। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड, दिस एंगल इज कॉल्ड द डाईहेड्रल एंगल, या टॉर्शन एंगल या रोटेशन एंगल भी कहा, यानी आपको यहाँ से डेफिनेशन जरूर लर्न करना है। डाईहेड्रल एंगल को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था।